हे गाइस व्हाट्सअप। तो कैसे हैं आप सभी लोग? तो एक और नए वीडियो के साथ यस मैंने यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत करते हैं। तो लगातार आप लोग जानते ही है, तो 3 दिनों से पूरा बारिश हो रहा है, पूरा आसाम में ना फ्लड्स हो चुका है। तो हम जहाँ रहते हैं मोटू प्रभा का एरिया का भी पूरा एकदम पानी पूरा एकदम भर चुका है। तो आज हम कुछ दोस्तों के साथ यहाँ का फ्लड का सिचुएशन देखने के लिए जाएंगे। मैं, मानस और मेरे दोस्त बाहर रुके हुए हैं, तो पूरा एरिया देखेंगे, तो आप लोगों को भी दिखाएंगे। तो वीडियो पर पूरा एंड तक बने रहिए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, चारों ओर पानी ही पानी हो चुका है, आप लोग देख ही सकते हैं। यहाँ पर ना बाढ़ का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है, लेकिन अंदर का जो एरिया है ना, वो एरिया में ये बाढ़ से बहुत ही ज़्यादा बुरे हालात है। तो यहाँ रास्ते में हमें कुछ अजीबोगरीब टाइप के ये बतख मिल चुके हैं, तो देख ही सकते हो आप लोग ये लोग कैसे हैं, कितने अजीब हैं। यहाँ खेतों में पानी हो चुका था, और कैसे ये लोग ट्रेडिशनल तरीके से मछलियाँ पकड़ रहे हैं, आप लोग तो देख ही सकते हैं। तो देख लो कैसे ये मछलियाँ पकड़ रहे हैं। बाढ़ के वजह से तो वैसे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, लेकिन एक फ़ायदा भी है। वैसे कितने सारे लोग एक साथ मछलियाँ पकड़ने के लिए निकल आए हैं, तो मछली की कमी नहीं होती बाढ़ आने पर, बस यही एक फायदा है। तो ये मछलियाँ देख लो आप लोग, छोटे छोटे मछली। देखो गाइस, ये है अंदर का नज़ारा, सारों ओर देख लो कितना पानी ही पानी, पूरा सागर जैसा हो गया है, चारों ओर पानी ही पानी हो गया बिल्कुल। तो अभी हम पानी के बीच में से ही ऐसे करके ये छोटे छोटे रास्तों से जा रहे हैं आगे। हाँ जी, पूरा गहरा पानी है इधर और हम जा रहे हैं। तो ये है 360 व्यू यहाँ का। आ जाओ यार, क्या कर रहे हो, चलिए आओ। इतना पानी है, इतना कम पानी में आ नहीं सकते तुम। यह हमारा ब्लॉगर भाई, हाँ जी, बहुत बढ़िया, अच्छा वाला स्माइल दे दिया, एक स्माइल हाँ जी, स्माइल स्माइल प्लीज। इतनी खुशी मुझे आज तक। देखिए जाल में कितना सारा मछलियां है, इतना सारा सब कुछ पकड़ के रखा है ये लोगों ने। यहाँ पर भी बहुत सारी मछलियाँ है, तो बहुत ज़्यादा मछली पकड़ के रखा है इन लोगों ने। तो ये देखो एक बार, ये कितना बड़ा मछली पकड़ के रखा है, इसे हम साइनीस मगुर कहते हैं। अच्छे से देख लो एक बार इस मछली को, कितना बड़ा है ये। ये सुजन क्या हुआ तेरे साथ? बाला बाला हो गया। हमें दोस्त अर्नब ने क्या? बाला बाला हो गया। ये देखिए यहाँ पे कैसे पानी गाद हो गया था, ये गाद देखिए कैसा हो गया है। गाइस मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये हमारा नेपाली भैया, ये रास्ता सस्ता खोहा के लेके गया है, रास्ता पूरा गिरा दिया पानी ने। पानी देखिए कैसा हो गया आसाम में। अभी मुंजोटी कुछ कह दो तुम, बहुत बुरा हो रहा है ऐसा ऐसा होने से, लोगों को कष्ट हो रहा है, लोगों को कष्ट हो रहा है, ऐसा मत करो रहा आगे से, लोगों को कष्ट हो रहा है। बहुत बढ़िया। बार का मतलब ही है मछली। तो देखिए आप लोगों को हम मछली कैसे पकड़ते हैं, समय ट्रेडिशनल तरीका सीखे दिखाते हैं। तो देखिए गाइस, मछली ऐसे कैसे पकड़ा जाता है। ये बेम्बो होता है, बेम्बो में जाल को लगाया जाता है और उसी से मछली पकड़ा जाता है। देखिए बहुत ही मूल्यवान शब्द है, ये आवाज भी सुन लो। गाइस पूरा घर डूब गया है, देखिए।
तो अर्नव बिहार राज हंस के चंगुल में फंस चुका है, आ नहीं पा रहा बेचेरा। मजा आया अमेजन फॉरेस्ट, लोकल अमेजन, यह अमेजन फॉरेस्ट का नजारा। तो यहाँ बहुत सारे एनाकोंडा है, फाइनली हाईवे पहुंच चुके हैं अभी। तो ये थक गया है पूरा पूरा, मोटू ब्रिज घूम लिया हमने तो पूरा थक गया है। तो ये हावलिका रोड, हावलिका हाई रोड, नेशनल हाईवे NH 31। तो अभी रूम में जाते हैं और रूम पे मिलते हैं। यहाँ ना पूरा एकदम पानी हो चुका है सारा, और बोरकटा और हावली के रास्ते में पूरा एकदम फुल पानी हो चुका है। हम लोग आए थे यहाँ रास्ते पे ही सब मछलियाँ पकड़ रहे थे। अभी मछली लिया है तो घर जाके वो मछलियाँ खाएंगे। और अभी आपको नज़ारा दिखा देता है, ये है बोरकटा रोड हावली का रास्ता जो कि पूरा डूब गया है आगे, तो अभी दिखाता हूँ। तो देखो इन लोगों ने कितने सारे मछलियाँ पकड़ के रखा है, इधर रास्ते के साइड में इतने सारे मछलियाँ पकड़ लिया है इन लोगों ने। तो ये देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे कि कितना ज़्यादा पानी हो चुका है इधर, इतना सारा मछलियाँ निकल गया है तालाबों से, तो कितना लॉस हुआ है। तो अभी हम यहाँ से थोड़ी मछलियाँ ले जाकर घर पे बनाकर खाएंगे। तो ये ना गाइस बोरपेटा से हावली जाने का रोड है, और ये रोड अभी रोड नहीं रहा, ये समुंदर बन गया है अभी, पूरा चारों ओर पानी हो रहा है। तो उधर से पानी इधर बह रहा है, पूरा रास्ते में से पानी बह के उधर से इधर जा रहा है। तो फ्लड की वजह से ना इधर के सारे झील तालाब सारे भर गए हैं एकदम पूरा, और उसकी वजह से उन झीलों में या तालाब में जो जो मछलियाँ पालने के लिए दिया था लोगों ने, वो सारे निकल कर आ गए बाहर, और ऐसे रास्ते से इधर को इधर से उधर जा रहे हैं वो मछलियाँ। तो वैसे भी उन लोगों का बहुत नुकसान भी हो गया, और लोगों को तो घर में रहने पीने का जगह भी नहीं रहा अभी। तो उन लोगों को हेल्प कीजिए जितना हो सके आपसे, उतना उन लोगों की हेल्प कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही तकलीफ़ का टाइम है उन लोगों के लिए। फ्लड ना गाइस असम के एक सबसे बड़े समस्या में से एक है। तो हर साल असम में फ्लड आता है, तो उस फ्लड की वजह से बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है। बहुत लोग घर छोड़ देते हैं, अपना घर डूब जाता है, सब कुछ चला जाता है पानी में, लोग बेघर हो जाते हैं। फ्लड ना असम का एक सबसे बड़े समस्याओं में से एक है। तो जितना जल्दी हो सके सरकार इस पर ध्यान दे और जल्दी से जल्दी इस समस्या का समाधान के लिए कुछ हल निकाले। तो मेरी यही विनती है सरकार से कि ये समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी करे। तो देख ही रहे आप लोग कि पानी देखने के लिए कितने सारे लोग आए रखे हैं इधर। तो बहुत सारे लोग इधर पानी देखने के लिए आ चुके हैं। तो यही हालत है आसाम में फ्लड की वजह से।